हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए RSCIT का दोस्तों 31 जुलाई को जो पेपर होने वाला है दोस्तों आपका, उसका दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, F5 की को दबाना चाहिए, साथ ही साथ स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला आपके प्रश्न जो आएगा वो होगा, निम्न में से आपकी इस प्रोग्राम को विंडोज 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम को कर सकते हैं दोस्तों। प्रोग्राम हो जाएंगे हमारे जो है सेटिंग के अंदर एप्स एंड सर्विस, और दूसरा हो जाएगा हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपके प्रश्न आने वाला है दोस्तों, नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल एडोज यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, नोगट। कौन सा है, नोगट, ये वाला आपका इसका सही हो जाएगा। अगला आपके प्रश्न आने वाला है, टाइम्स न्यू रोम्स क्या है। तो क्या है दोस्तों, ये कोई भी फॉन्ट नहीं है, एक फॉन्ट नहीं है ये, ना ही पेंटिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेज लेआउट, ये एक पेज लेआउट है। अगला है आपके पांचवा, GPS का पूरा नाम क्या है। तो GPS का पूरा नाम यहाँ पर आप सभी जो है कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा ग्लोबल पोजिशन सिस्टम यानी कि ग्लोब जो होता है उसकी पोजिशन जो बताता है वही होता है हमारे GPS। अगला आपके छठा प्रश्न आने वाला है, पावर पॉइंट में सबसे पहले इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए घटित क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा, स्रोत फाइल यानी कि सोर्स फाइल के अंदर आपको जाना होगा और फिर आपको उसके अंदर चेंज मतलब कि जो पहले से इंसर्ट नहीं हुई थी चेंज नहीं होती। अगला आपके आने आएगा दोस्तों सातवां प्रश्न, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय दाता सेवा नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो यहाँ पर हमें वोटर की बात कही गई है, कोई चुनाव नहीं आएगा, सामाजिक सेवा भी इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके आएगा, आमतौर पर किस प्रकार का एक ईमेल खाता व्यापार सेटिंग बिजनेस सेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो बिजनेस सेटिंग का जो उपयोग है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में किया जाता है। अगला आपके प्रश्न आने वाला है, एक्सचेंज बुक एक्सेल वर्कबुक यानी कि एक्सेल जो वर्कबुक होती है, निम्न में से किन के संयोजक यानी कि कॉम्बिनेशन से बनती है। तो वर्कशीट और चार्ट, चार्ट से बनती है लेकिन उसके साथ वर्कशीट भी होनी चाहिए। वर्कबुक तो इसमें आ ही रहा है तो वर्कबुक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एंड आगे आपके टेंथ वाला आएगा, इनमें से कौन सा वैध यानी कि वैलिड प्रोजेक्टर कंटेक्टिव विकल्प यानी कि प्रोजेक्ट कंटेंटिविटी ऑप्शन नहीं है। तो कंप्यूटर भी होगा, डुप्लीकेट भी होगा, एक्सटेंड भी होगा, इन्वर्टेड इसका ऑप्शन नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेवंथ यहाँ पर है, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट शन यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भू यातायात फ्रिक्वेंटली से उपयोगी है। उपरोक्त सभी इसमें टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह है एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह है, प्लानिंग इंफॉर्मेशन के संचार कम्युनिकेशन की तरह है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ट्वेल्थ है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार यानी कि मेलिंग एंटीक्यू के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है, ऑल कैप्स का अति एक्सेस प्रयोग यह भी नहीं होगा, उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी संक्षिप्त इसका सही उत्तर होने वाला है। अगर आपके आएगा दोस्तों, जिस प्रकार मेरी फ़ोटो खींच पाया हूँ उसी प्रकार है दोस्तों, आप जो है वीडियो को इस बात पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन है, SSO का पूरा नाम क्या होगा। तो SSO से आप सभी यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि जब भी फुल फॉर्म आती है सभी बच्चे जो है बहुत डर जाते हैं यार, मतलब आती नहीं है कि क्या होगा। तो सिंपल सा SSO का हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन, ठीक है, ये बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आएगा हमारे एक नेम बॉक्स आपको बताना है, तो स्टेट बार हो जाएगा एंड नीचे बिलो दिखाई देता है।
अगला हो जाएगा टर्म HDMI में HD क्या है, तो HDMI ठीक है, इसके अंदर दो आते हैं HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 बहुत आते हैं वैसे, है ना, लेकिन दो ही मेन होते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी HD जो है इसका फुल फॉर्म बता देनी, तो HD की हाई डायमेंशन नहीं होगी, हग डिफिनेशन नहीं होगी। देखो HD या H का मतलब हो जाएगा हमारे हाई यानी कि उच्च, तो यहाँ पर हाई इस दोनों में आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पर हाई, D का मतलब होगा यहाँ पर डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा डेफिनेशन, क्या होगा हाई डेफिनेशन यानी कि हाई जो है उच्च डेफिनेशन। अगला है WWW का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है जो कि आपके आने वाला है। अगला प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टीकास्टिंग से वास्तव एक्चुअली में लागू नहीं करता है, तो AMS DOS ये लागू नहीं होता है। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रकार का यूज़र अकाउंट यूज़र विंडोज 10 में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, तो स्टैंडर्ड नहीं है और एक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो आपके प्रश्न है दोस्तों EPDF का वितरित यानी कि कंप्लीट फॉर्म क्या हैगा, तो क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला 20वां क्वेश्चन है आपके दोस्तों विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों आपके 21 विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, इंटरनेट से सीधे डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरनेट से नहीं कर सकते, किससे करेंगे वर्ल्ड फाइल का प्रयोग कर, ठीक है, या फिर उपयोग कर। अगला हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल नेशनल वोट सर्विस जो कि मैंने आपको बताया है, अभी इसका सवाल आएगा EPIC क्या है, तो ये क्या है, ये है अपने चुनाव फोटो पहचान पत्र। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दोनों ए और बी ऑप्शन को देखकर सभी इस पे लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके 23 वाला आएगा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो कौन सा हो जाएगा उपरोक्त सभी, गूगल ड्राइव इसके अंदर आ जाएगा, ड्रॉप बॉक्स हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सभी इसके जो है क्या हो जाएंगे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अगला आपका जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, तो कौन सी है, बुद्धि का अभाव, इंटेलिजेंस की एक जो है इसमें अंदर सीमा है, स्पीड के यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सो MOOC का पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारे, ऑप्शन नंबर एम मैसेज ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का सही आंसर हो जाएगा। मॉडेम का पूर्ण रूप हो जाए मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, बहुत सिंपल है, ए और बी मत लगा देना, एक ही इसका होगा। अगला आएगा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, सो ई मित्र वाले और रोजगार विभाग वेबसाइट यानी कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल भी हो सकता है इसमें। 28वां क्वेश्चन दोस्तों ये जो पेपर है बिल्कुल रियल पेपर आ सकता है आपके जो है इसके अंदर 100% गारंटी इसके अंदर सवाल पूछने के, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना यार, आप सभी के हम लिए रियल पेपर लेके आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन की बात यहाँ पर कही गई, तो ये जो है पेज लेआउट के ऑप्शन टैब में उपलब्ध आती है पेज। अब देखो पेज की जब बात करिए तो पेज की बात में हमें पेज लेआउट का ही ऑप्शन नज़र आता है, तो इसके अंदर हम जो है अपने पेज को अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड तक चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात की जाए इनमें से कौन सा फीचर है सिलेक्ट एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है, तो कौन सा हटाता है फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। UPI यूनिफाइड एम्पावरमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, एक तो पैसे भेजने पर और एक भुगतान जो है प्राप्त करने पर, यानी कि एक तो जो है आपका मनी पे होने पर एक मनी रिसीव होने पर। 31वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके हॉटस्पॉट के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, कौन सी वाईफाई भी चाहिए ब्लूटूथ भी चाहिए एंड इंटरफेस, जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा हॉटस्पॉट आपके वाईफाई से हो जाता है ब्लूटूथ से भी हो जाता है ब्लूटूथ हियरिंग से हो जाता है आपके एंड इंटरफेस, ठीक है, इसको ध्यान रखना उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है एक
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओ एम आर शीट जो है के है। जैसे कि आप पेपर दोगे तो आपको जो गोले भरने होंगे दोस्तों, तो ये जो गोले हैं कौन चेक करेगी? ओ एम आर शीट, मतलब ओ एम आर शीट होती है ये, चेक तो कंप्यूटर करेगा। अगला है TDS के पूरा नाम क्या है, टेक्स्ट डिलीवर्ड एट सोर्स। तो यही जो है आप सभी के प्रश्न में लाया हूँ, बिल्कुल रियल प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।